Hello everyone, welcome to Free Study. So this is the next part of Insights November 2019 Current Affairs Compilation PDF. अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वीडियो. सो वी विल बी कवरिंग एटलीस्ट 15 पेजेस इन दिस वीडियो एंड आफ्टर दिस 3 मोर वीडियोस विल ऑल्सो कम फॉर दिस एंड देन दिस करंट अफेयर्स PDF विल बी ओवर. So after this we will start with the January current affairs. All right, so let's start. The first one is that the CMIE report on joblessness. तो जो Center for Monitoring Indian Economy है उसने इंडिया के अंदर बेरोजगारी कितनी है उसकी रिपोर्ट रिलीज़ की है. जो अक्टूबर है उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.5% बढ़ गया है अगस्त 2016 से लेके अब तक हाईएस्ट लेवल. अर्बन एम्प्लॉयमेंट 8.9% है जबकि रूरल 8.3. हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है त्रिपुरा एंड हरियाणा के अंदर 20% से भी ज़्यादा. सबसे कम तमिलनाडु में है एट 1.1%. तो इसका कारण क्या है? CMI फाइंडिंग्स जो हैं वो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग की है जिसने बताया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जुलाई 2017 से जून 2018 में वो 6.1% रहा, मतलब पिछले 45 सालों में भी सबसे वर्स्ट. ये जो डाटा है ये इकोनॉमी के अंदर एक डाउनटर्न लेकर आ रहा है. कोर सेक्टर जो आउटपुट है सितंबर के अंदर एक वर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आया कम से कम पिछले 14 ईयर्स के अंदर. एंड जो रिसर्च एस्टिमेट्स हैं 2011-12 2017-18 से लेके भी तो एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइंड हुई है. 9 मिलियन जॉब्स मीन्स 2% ड्रॉप हुआ है. एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट कम हुई है 11.5% से. इसी टाइम पीरियड में जो सर्विस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है 13.5 एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी कम हुई है 5.7%. तो एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो रही है. जो वर्किंग एज पीपल हैं मींस हु आर नॉट इन लेबर फोर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वो भी इंक्रीज हो रहे हैं. 84 मिलियन से बढ़कर 100 मिलियन हो गए हैं. कारण क्या है? देखिए काफ़ी सारे कारण हैं डिक्लाइन इन एम्प्लॉयमेंट के. एंड एग्रीकल्चर के अंदर कमी, फीमेल वर्कर्स के अंदर तो जो ट्रेंड है वर्कर्स का कि वो एग्रीकल्चर से मूव आउट कर रहे हैं 2004-2005 से, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. दो देखिए प्रॉब्लम नहीं तो है नहीं, पुरानी सरकारें भी इसको काम करने की कोशिश करती आ रही हैं. एंड जो स्टैग्नेंट वेजेस हैं, जॉबलेस ग्रोथ है, ये सिर्फ एक वीकनिंग इकोनॉमी का सिर्फ इंडिकेटर नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को भी दर्शाती है. तो ज़रूरत यही है कि जो ये गिरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट या जो डिसेलरेटिंग कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है ये बैड न्यूज़ है इकोनॉमी के लिए. एंड अगर हमें इनकम के ग्रोथ को सस्टेन करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है, पावर्टी को कम करना है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैनुफैक्चरिंग सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर ज़रूरी है. नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट. तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2019 का एडिशन ऑफ ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट रिलीज़ कर दिया है. जो 2019 की जो रिपोर्ट है ये फीचर करती है 11 न्यू जेंडर फोकस्ड इंडिकेटर्स को जो कि मेज़र करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ बोथ वुमेन एज वेल एज मैन. इंडिया के कुछ ऑब्जर्वेशंस देखें तो इंडिया टॉप नेशंस के अंदर है जहाँ पे कंडक्टिव एनवायरनमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. एंड नॉन बैंक से लेके ई मनी ये सब हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ हैं. जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का वो ग्लोबली भी इम्प्रूव हुआ है विद इंडिया, कोलंबिया, पेरू, उरुग्वे एंड मैक्सिको. एंड ओवरऑल फ्रेमवर्क की बात करें डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी तो जो 4 बेसिक इनेबलर्स हैं कि नॉन बैंक्स को अलाउ किया जाए कि वो भी ई मनी इशू कर सकें, फाइनेंशियल सर्विस एजेंट्स प्रेजेंट रहें, प्रोपोर्शनेट कस्टमर ड्यू डिलीजेंस हो एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी हो. इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री है जो कि ई मनी को सेफगार्ड करती है विया सम सॉर्ट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन एफर्ट्स बाय इंडिया. सो इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ने एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ताकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज का कवरेज है वो बढ़ सके.
एंड एक लंबे वेटेड स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करने की उम्मीद जताई जा रही है 2019 में, जो कि एक 5 ईयर पीरियड रहेगा। आरबीआई एक हाई लेवल कमेटी भी गठित करेगी ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है डिजिटाइजेशन का उसे रिव्यू किया जा सके एंड एक मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी भी बनाई जा सके फॉर इंक्रीजिंग डिजिटल पेमेंट्स। अगस्त 2019 में आरबीआई ने इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स दैट इज़ RX भी रिलीज़ किया था, जिससे एक बेसिस बना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए ताकि जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं उनको अलाउ किया जा सके दैट दे कैन लाइव टेस्ट देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो रिपोर्ट है इसे प्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिस्ट ग्रुप का। 1946 में ये क्रिएट हुए थे, वर्ल्ड लीडर हैं ग्लोबल बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर। जो माइक्रोस्कोप रिपोर्ट है वो सबसे पहले पब्लिश की गई थी 2007 में, एंड ओरिजिनली इसे डेवलप किया गया फॉर कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन्स, लेकिन 2009 में इसको एक्सपेंड किया गया इंटू अ ग्लोबल स्टडी। तो ये जो रिपोर्ट है ये एक बेंचमार्किंग इंडेक्स है जो कि एनवायरनमेंट को इनेबल करता है कि वो फाइनेंशियल एसेस ले सकती हैं इन 55 कंट्रीज अक्रॉस 5 कैटेगरीज एंड 5 पैरामीटर्स। क्या क्या हैं? गवर्नमेंट एंड पॉलिसी सपोर्ट, प्रोडक्ट्स एंड आउटलेट्स, स्टेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ वी विल रीड अबाउट ट्रेड डेफिसिट। तो इंडिया ने डिसाइड कर लिया है, कल हमने किया था, परसों किया था, कि RCEP दैट इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया साइन नहीं करेगा। तो देखिए की रीज़न यही है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो RCEP से इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? अगर इंडिया RCEP को ज्वाइन करता है तो चाइना के गुड्स इंडियन मार्केट्स में आएंगे, जिससे इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इंडिया ने आर्ग्यू किया कि काफ़ी सारे जो सेक्टोरल प्रोड्यूसर्स हैं, खास करके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन डेयरी सेक्टर, तो वो डोमिनेट करेंगे हमारे इंडियंस को एंड फॉरेन कॉम्पिटिशन से। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? देखिए, ट्रेड बैलेंस को हमने पढ़ा है, डिफरेंस जो होता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बीच में उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगर नेगेटिव आता है मीन्स हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। एंड चाइना के साथ हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, जबकि चाइना का क्या है? ट्रेड सरप्लस। ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि हमारी कंट्री की जो डिमांड है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस की कमी है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो कॉम्बिनेशंस होता है बहुत सारे फैक्टर्स का। तो क्या ट्रेड डेफिसिट एक बुरी चीज़ है? देखिए, बुरी चीज़ नहीं है, कोई भी ट्रेड बैलेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर कंट्री की कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। ट्रेड का मतलब कि आप कंट्री से कुछ परचेज या सेल करते हैं, लेकिन ट्रेड डेफिसिट जो है वो अगर हमें देखिए, फॉर मान लीजिए अगर दूसरी कंट्री से यहाँ पर चीपर और बेटर क्वालिटी मिल्क आएगा, स्टील आएगा, तो इंडियन कंज्यूमर्स जो होंगे उनको तो बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, कार्स अफोर्डेबल बनेगी। तो जो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं स्टील और मिल्क के, वो तो रोएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो एफिशिएंट नहीं होंगे तो उन्हें कुछ और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो वे अहेड क्या है कि हमें अटेन करनी पड़ेगी सेल्फ रिलायंस के लिए, हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इम्प्रूव करना होगा, और बेस्ट यही है कि हम कंपटीशन से कुछ सीखें। नाउ वी विल रीड अबाउट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। तो आरबीआई का जो पैनल है उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल्स प्रपोज किए हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए, एंड ये जो रिकमेंडेशन है वो दी है वर्किंग ग्रुप ने टू रिव्यू रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये जो कमिटी थी, वर्किंग ग्रुप था, इसे सेंट्रल बैंक ने सेटअप किया 3 जुलाई को, एंड इसके जो हेड थे वो थे तपन राय, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के। तो इसके अंदर क्या आते हैं? कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज CICs, जो एक बोर्ड लेवल कमिटीज़ बनाएंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, इंटरनल ऑडिट्स कंडक्ट करेंगे, एक कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, रिंग फेंस द बोर्ड्स ऑफ CICs, एंड इसके अंदर वो एम्प्लॉयज़ एक्सक्लूड किए जाएंगे एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी जो ग्रुप कंपनीज के हैं फ्रॉम इट्स बोर्ड, स्टेप डाउन किया जाएगा। CICs मे नॉट बी परमिटेड टू इन्वेस्ट इन एनी अदर CICs, मतलब कोई भी जो CIC है वो किसी और CIC में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, बल्कि अदर ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकती है। CIC जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगी स्टेप डाउन CIC के अंदर,
इट कैन बी ओवर एंड अबव 10% ऑफ इट्स ओन फंड्स. इसे डिडक्ट किया जाएगा एडजस्टेड नेटवर्थ से एज एप्लीकेबल टू अदर NBFCs. जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं CICs के ग्रुप के अंदर वो रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे 2 तक, एंड कोई भी CIC विदिन अ ग्रुप शैल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन अ टोटल ऑफ 2 लेयर्स ऑफ CICs इंक्लूडिंग इटसेल्फ. तो क्या होती हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज? ये वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनका एसेट साइज 100 करोड़ है एंड अबव है, जो कि बिजनेस कैरी करते हैं ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़. CICs जिनको अलाउ होता है कि वो पब्लिक फंड्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड 90% नेट एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर से कम नहीं रख सकते. ठीक है, मतलब 90% उनको अपने एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोन्स, डिबेंचर्स, डेब्ट या लोन्स में रखने ही होंगे. जो भी CIC इन्वेस्टमेंट करती है इक्विटी शेयर्स में एंड ग्रुप कंपनीज़ में, वो 60% से कम नहीं होने चाहिए. देन एग्जेम्पशन क्या है? जो CIC हैं उनका जो एसेट साइज़ अगर बिलो 100 करोड़ है तो उनको छूट मिलेगी रजिस्ट्रेशन से एंड रेगुलेशन से फ्रॉम द RBI, एक्सेप्ट अगर वो ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में. नाउ पब्लिक फंड्स क्या होता है एंड क्या ये पब्लिक डिपॉजिट्स की तरह ही है? तो नहीं, पब्लिक फंड्स और पब्लिक डिपॉजिट्स दोनों अलग होते हैं. पब्लिक फंड्स में पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं, ठीक है, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स आते हैं, बैंक फाइनेंस आता है, एंड वो सभी फंड्स जो रिसीव हुए हों किसी भी आउटसाइड सोर्सेज से, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सच एज फंड्स रेज्ड बाई इशू ऑफ कमर्शियल पेपर्स, डिबेंचर्स, एंड यहाँ जो पब्लिक फंड्स हैं वो इंक्लूड करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स को इन जनरल कोर्स. सो ये हम नोट कर सकते हैं कि जो CICs, NDSI हैं वो पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते. ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट इसीलिए हुआ है ताकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें सेफगार्ड किया जा सके, जो कि फॉर्म्ड हुई थी ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्रॉम स्ट्रिंजेंट RBI प्रोसीजर्स. एंड एक्सपर्ट्स जो है वो CIC गाइडलाइंस का रिव्यू लेते रहते हैं एवर सिंस डिफॉल्ट्स मेड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. नाउ वी विल रीड अबाउट मूडीज रेटिंग. तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है मूडी इन्वेस्टर सर्विस, जिसने अपना आउटलुक दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल, और अफर्म किया है दैट बा टू फॉरेन करेंसी एंड लोकल करेंसी लॉन्ग इश्योर रेटिंग्स. तो मोदी ने ये भी कंफर्म किया है दैट इंडियाज बा टू लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग है, एंड उसका जो P2 है वो अदर शॉर्ट टर्म लोकल करेंसी रेटिंग है. नाउ इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? तो डिसीजन जो है वो टू चेंज द आउटलुक टू नेगेटिव, इससे रिफ्लेक्ट होता है कि रिस्क बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो अभी भी कम रह सकती है पास्ट के कंपेरिजन में, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो इतनी अच्छी मीन्स साबित नहीं हो पा रही हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस आ रही हैं, ग्रेजुअल राइज हो रहा है डेप्ट के अंदर, एंड आउटलुक के अंदर रिडक्शन होना ये फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट डाउनग्रेड का. तो एक्चुअल डाउनग्रेड जो होगी वो मैसिव फॉरेन फंड आउटफ्लोज को लीड कर सकती है. तो मूडीज़ ने कट रेटिंग क्यों दी है? मूडी का जो प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट है GDP का 3.7% थ्रू मार्च 2020, ये ब्रीच है गवर्नमेंट टारगेट ऑफ 3.3% एज, क्योंकि स्लोअर ग्रोथ और सरप्राइज्ड कॉरपोरेट टैक्स रेट कट कब्स रिवेन्यू. नाउ इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है वो डेट्रोरिएट हुआ है इस साल विद अ क्रंच कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्प्रेड हो रहे हैं टू रिटेल बिजनेसेस, कार मेकर्स, होम सेल्स एंड हैवी इंडस्ट्रीज़. मूडीज़ ने कहा है कि ये जो आउटलुक पार्टी है ये रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट एंड पॉलिसी की इन इफेक्टिवनेस को इन एड्रेसिंग द इकोनॉमिक वीकनेस, जिसकी वजह से डेब्ट बर्डन बढ़ रहा है. इकनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है, इंडियन इकनॉमी अप्रैल से जून में 5% तक एंड वीकेस्ट पेस रहा है 2013 से, क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो भी कम हुई है. गवर्नमेंट का क्या कहना है? मूडीज़ के कंसर्न को नोट करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया कंटिन्यू रहेगी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड इंडिया का जो रिलेटिव स्टैंडिंग है उस पर कोई भी असर नहीं होगा. गवर्नमेंट ने कहा कि वो अंडरटेक करेंगे कुछ सीरीज फाइनेंशियल सेक्टर के एंड रिफॉर्म्स लेंगे कुछ, ताकि इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सके.
एंड कहा कि कुछ पॉलिसी डिसीजंस भी लेंगे ताकि ग्लोबल स्लोडाउन को कम किया जा सके। जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स हैं दे रिमेन क्वाइट रोबस्ट विद इन्फ्लेशन अंडर चेक एंड बॉन्ड यील्ड्स लो। इंडिया अभी भी स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पेक्ट्स ही रहेगी ग्रोथ का इन नियर एंड मीडियम टर्म। तो ये कुछ क्रेडिट रेटिंग्स हम देख लेते हैं। अगर ट्रिपल ए रेटिंग मिलती है तो इट मीन्स हाइयर क्रेडिट क्वालिटी है, ठीक है। डिनोट्स द हाइयर क्रेडिट क्वालिटी डिनोट्स द लोवेस्ट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क। अगर डबल ए प्लस है, ए ए है या ए ए माइनस है, तो डबल ए मीन्स हो गया एक्सपेक्टेशंस ऑफ वेरी लो डिफॉल्ट रिस्क एंड हाई क्रेडिट क्वालिटी है। अगर ए प्लस ए ए है तो हाई क्रेडिट क्वालिटी है, ठीक है। तो पहले हाईएस्ट था, फिर वेरी है, फिर सिर्फ हाई आ गई। ट्रिपल बी है तो गुड है, डबल बी है तो एलिवेटेड वल्नरेबिलिटी है डिफॉल्ट रिस्क को, बी प्लस है तो मतलब मटेरियल डिफॉल्ट रिस्क है, ट्रिपल सी है तो सब्सटेंशियल क्रेडिट रिस्क है, डबल सी है तो वेरी हाई लेवल ऑफ क्रेडिट से रिस्क है, एंड अगर सी है तो डिफॉल्ट लाइक प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अगर ट्रिपल डी, आर डी, एस डी, डबल डी या फिर डी है तो इश्यूअर ने एंटर कर लिया है इनटू बैंकरप्सी फाइलिंग्स, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसीवरशिप, लिक्विडेशन और अदर फॉर्मल वाइंडिंग अप प्रोसीजर और हैज सीज्ड बिजनेस। नाउ वी विल रीड अबाउट IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019। तो 2019 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है वो रिलीज़ हो गई है, एंड इसको रिलीज़ किया है IMD ने, दैट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, जो कि एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है, स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है। एंड जो ये रैंकिंग है वो तीन कैटेगरीज के ऊपर दी जाती है, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, अपील एंड रेडीनेस। कंट्री की परफॉर्मेंस क्या रही, जो टॉप ऑफ द टेबल है वो यूरोपियन की छोटी एंड मिड साइज इकोनॉमीज ले गई। हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर एजुकेशन में एंड सुपीरियर क्वालिटी ऑफ लाइफ में। स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट है, डेनमार्क सेकेंड है एंड लीड द रैंकिंग फॉर द सेवन्थ ईयर इन अ रो, एंड इनको फॉलो कर रहे हैं स्वीडन, ऑस्ट्रिया एंड लग्जमबर्ग। इंडिया की परफॉर्मेंस, इंडिया सिक्स प्लेसेस नीचे आ गया है, 59 रैंक है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ लो है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कम है। इंडिया ब्रिक्स कंट्रीज में भी काफ़ी पीछे है, चाइना की 42 रैंक है, रशिया की 47, साउथ अफ्रीका की 50। वन ऑफ द मीन्स काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है अमंग एशियन इकोनॉमीज ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है ब्रेन ड्रेन पर, एंड लो प्रायोरिटी है इकोनॉमी की ऑन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट्स। नाउ वी विल रीड अबाउट व्हाट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस। तो विद द फेलियर ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक री इग्नाइटिंग में, जो मुद्दा है वो दोबारा से गर्म हो गया है कि जो लो लेवल ऑफ इंश्योरेंस है फॉर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कस्टमर्स इन बैंक्स इन इंडिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बनाने जा रही है ताकि इस कवर को रेज किया जा सके, रेज द कवर, एंड एक लेजिस्लेशन भी इज़ लाइकली टू कि वो विंटर सेशन के अंदर रखा जाएगा। तो ये हम दिसंबर के करंट अफेयर्स में भी हमने ये किया है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक इंश्योरेंस प्रोटेक्ट है जो डिपॉजिटर के मनी को दिया जाता है बाय रिसीविंग अ प्रीमियम, एंड गवर्नमेंट एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करता है अंडर RBI टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इफ बैंक फेल्स। हर इंश्योर्ड बैंक प्रीमियम पे करेगा अमाउंटिंग टू 0.001% ऑफ इट्स डिपॉजिट्स टू DICGC एवरी ईयर। नाउ डिपॉजिटर्स के मनी के साथ क्या होगा अगर बैंक फेल हो जाता है, तो अगर बैंक लिक्विडेट हो जाता है तो डिपॉजिटर को इंश्योरेंस अमाउंट मिलती है 1 लाख पर इंडिविजुअल फ्रॉम DICGC। जो 1 लाख की इंश्योरेंस लिमिट है इसके अंदर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट सभी इंक्लूडेड है अक्रॉस योर सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट्स। प्रोसीजर क्या है, देखिए DICGC डायरेक्टली डिपॉजिटर्स के साथ डील नहीं करता, RBI डायरेक्ट करता है दैट अ बैंक जो है वो लिक्विडेट हो गया है, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं ताकि वाइंडिंग अप प्रोसेस हो सके। फिर DICGC एक्ट के अंदर जो लिक्विडेटर होता है वो हैंड ओवर कर देता है एक लिस्ट इंश्योर्ड डिपॉजिटर्स को टू द DICGC विद इन 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग चार्ज, देन DICGC जो है वो ड्यूज पे करते हैं विद इन 2 मंथ्स आफ्टर रिसीविंग दैट लिस्ट। तो इन द फाइनेंशियल ईयर 2019 1425 डेज एवरेज लगे DICGC को टू रिसीव एंड सेटल द फर्स्ट क्लेम्स ऑन डी रेजिग्नेटेड बैंक। नाउ व्हाट वॉज इंश्योर्ड बाई DICGC, जो कॉरपोरेशन है वो कवर करती है सभी कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक्सेप्ट इन मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली।
इसके अलावा जो ओनली प्राइमेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर नॉट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी इन डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड नहीं करता है, फॉरेन गवर्नमेंट की, सेंट्रल एंड स्टेट, इंटर बैंक, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोई डिपॉजिट रिसीव हो रहा हो आउटसाइड इंडिया, कोई अमाउंट जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड हो बाय डीआईसीजीसी विद प्रीवियस अप्रूवल ऑफ आरबीआई। रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इंश्योरेंस कवर एंड इंश्योर्ड अमाउंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करना होगा कि वो इंश्योरेंस कवर दे सकें। टाइम डिले को रिड्यूस करना होगा इन सेटिंग द क्लेम्स। नाउ वी विल रीड अबाउट एजीआर, दैट इज़ एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया ने एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपना 24 अक्टूबर का जो जजमेंट है उसे रिव्यू करें ऑन द एडजस्टमेंट एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू इशू। पिटीशन के अंदर ये माना गया है कि चैलेंज किया गया है इंक्लूजन ऑफ नेशनल इनकम्स इन द एजीआर। बैकग्राउंड क्या है? पिछले महीने लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू की डेफिनेशन को अपहेल्ड किया था, कैलकुलेशन एज स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। मतलब जो टेलीकॉम कंपनीज हैं विल हैव टू पे एज मच एज ₹92,642 करोड़ टू द गवर्नमेंट। तो एजीआर होते क्या है? एडजस्टेड ग्रॉस रिवेन्यू मतलब आप इज द यूसेज या फिर लाइसेंस फी जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को चार्ज की जाती है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस। फिर उसे डिवाइड कर दिया जाता है स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस में, लाइसेंस फीस में, एंड इट इज पेक्ड बिटवीन 3-5% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। कैसे कैलकुलेट होता है, कंटेंशन क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस DOT के अकॉर्डिंग जो चार्जेस कैलकुलेट होते हैं वो सभी रिवेन्यूज़ के बेस्ड पे होते हैं अर्न्ड बाय अ टेलको इंक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज जैसे कि डिपॉजिट इंटरेस्ट एंड एसेट सेल्स। जो टेलकोज हैं ऑन देयर पार्ट वो इंसिस्ट करते हैं कि AGR को कंप्राइज करने हैं ओनली द रिवेन्यूज जनरेटेड फ्रॉम टेलीकॉम सर्विसेज। अब इशू क्या है? 2005 में जो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, दैट इज़ COAI, उन्होंने चैलेंज किया गवर्नमेंट डेफिनेशन फॉर AGR कैलकुलेशन। 2015 में TDSAT ने कहा कि AGR सभी रिसिप्ट को इंक्लूड करेगा एक्सेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर रिसोर्सेज सच एज रेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड मिसलेनियस इनकम। जो रेगुलेटर है वो फॉरेक्स एडजस्टमेंट को भी इंक्लूड करेंगे अंडर AGR रिपोर्ट फ्रॉम रूलिंग दैट लाइसेंस फी जो है वो 2 times चार्ज नहीं की जाएगी सेम इनकम पर। एग्जेम्प्ट किया जाएगा बैड डेप्ट को, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस को एंड सेल ऑफ स्क्रैप को भी। गवर्नमेंट जो है वो जो इशू है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ रिवेन्यूज उसे भी उठाने वाला है। जो कैग है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा है कि कॉल्ड आउट, उन्होंने टेलकोज को कॉल्ड आउट किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग रिवेन्यूज टू द ट्यून ऑफ ₹61,064.5 करोड़। लेटर जो TD सेट है, दैट इज़ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उन्होंने अपहेल्ड किया DOT's की डेफिनेशन ऑफ AGR एंड विद सर्टेन एग्जेम्पशंस। DOT ने एक अपील भी फाइल की है बिफोर सुप्रीम कोर्ट साइटिंग दैट TD सेट हैड नो ज्यूरिसडिक्शन ऑन द वैलिडिटी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंसेस। इस रूलिंग का इम्पैक्ट क्या रहेगा? क्लियरली ये जो जजमेंट है इसने डैमेजिंग इम्प्लीकेशंस सिग्निफिकेंटली डैमेज किया है इम्प्लीकेशंस को फॉर टेलीकॉम्स इंडियाज टेलीकॉम इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी ह्यूज फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रही है एंड इज़ लेफ्ट आउट विद ओनली 4 ऑपरेटर्स। जो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है $1 बिलियन की हैज़ बीन मेड वर्ल्ड क्लास नेटवर्कस के अंदर टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास नेटवर्कस, एंड जो ऑर्डर होगा वो प्राइवेट ऑपरेटर्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने जा रहा है। नाउ इंडिया बनेगी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो जो रोड है $5 ट्रिलियन का वो 2025 वो सेट कर दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर्स के साथ। तो नीति आयोग ने वॉर्न किया है गवर्नमेंट को। क्या है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी? तो ये साइज ऑफ इकोनॉमी है एनुअल GDP के अकॉर्डिंग। ज़रूरत क्या है? मॉनिटरी डेफिनेशन के अलावा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, कंजम्पशन होगा, एक्सपोर्ट होगा सभी 3 सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाएगा।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जाएगा। प्रेजेंट स्टेट क्या है, इंडिया की जो जीडीपी है वो 1.85 ट्रिलियन डॉलर है 2014 में, एंड टुडे 2.7 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, एंड जो साइज़ होता है इकोनॉमी का वो एनुअल जीडीपी से ही मेज़र किया जा सकता है। तो क्या इंडियंस जो हैं वो वर्ल्ड के 6th richest पीपल हैं, तो ये गलत है। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा जो होती है वो बेटर सेंस देती है कि कैसे एवरेज रेजिडेंट रह रहा है, क्योंकि पूरी कंट्री तभी अच्छे से आप बोल सकते हैं जब पर पर्सन इनकम बढ़े। जैसे कि अगर यूके की रेजिडेंट इनकम देखे तो वो 21 गुना ज़्यादा है एवरेज इंडियन से। तो जो हमारे इंडिया के जो रिचेस्ट 1% है उन्हीं के पास ही है 58.4% वेल्थ, तो एंड जो 10% इंडियंस जो रिच है उनके पास 80.7% है, तो बाकी जो 90% है वो सिर्फ 20 में जी रहे हैं, एंड जो 10% है वो 80। तो इसीलिए मतलब ग्रोथ है लेकिन इक्वालिटी नहीं है। तो क्या इंडिया अचीव कर पाएगी ये टारगेट, तो डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे। अगर इंडिया 12% नॉमिनल ग्रोथ रखती है, मतलब 8% रियल जीडीपी और 4% इन्फ्लेशन फ्रॉम द 2018 लेवल, तो इंडिया 5.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है 2024 तक। तो जीडीपी पर कैपिटा कैसे चेंज होगा अगर इंडिया 5 ट्रिलियन मार्क तक पहुंच जाएगी, तो अगर 2024 तक इंडिया का जीडीपी 5.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है एंड इंडिया की पॉपुलेशन 1.43 बिलियन हो जाती है, तो पर कैपिटा जीडीपी हो जाएगा 3727। सो कंसिडरेबली मोर है आज से, लेकिन अभी भी इंडोनेशिया के जीडीपी पर कैपिटा इनकम से कम है। क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हैं बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर के अंदर स्लो डाउन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का स्लो पेस, फंडिंग इश्यूज, एक्सपोर्ट्स इश्यूज। नाउ वी विल रीड अबाउट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETFs। तो सेंटर जो है वो इंडिया का पहला फिक्स्ड इनकम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने जा रहा है, जिसके अंदर डेप्ट सिक्योरिटीज होंगी लार्ज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। तो जो ETF है उसका साइज 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ का माना जाएगा, एंड इसके अंदर AAA रेटेड पेपर्स होंगे ऑफ द PSU कंपनीज। एक न्यू ऑप्शन मिलेगा ताकि इन्वेस्टर्स को कंजर्व किया जा सके टू ओन सिक्योरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज अलॉन्ग विद द फैसिलिटी ऑफ ओवरनाइट लिक्विडिटी। एंड जो कंपेयर करें अगर हम इसको बैंक फिक्स डिपॉजिट से, जो कि जनरेट करते हैं पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ 5.5%, तो ये जो प्रोडक्ट हैं ये रिटर्न देंगे 7% ऑफ द इन्वेस्टर्स, मतलब टू द इन्वेस्टर्स। कॉरपोरेट डेप्ट सिक्योरिटीज़ इसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, क्रेडिट लिंक्ड नोट की फॉर्म में हो सकती हैं, डिबेंचर्स में हो सकती हैं, प्रॉमिसरी नोट्स में भी हो सकती हैं। ETFs होते क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट एंड ट्रेड किए जाते हैं शेयर्स की तरह। एंड जो ETF है इट मिरर्स अ पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स इन द ETF वुड बी सिमिलर टू दोज इन द इंडेक्स दैट इट इज़ बेंचमार्क टू। तो ETFs पैसिव फंड्स हैं जहाँ पे फंड मैनेजर डज नॉट सिलेक्ट स्टॉक्स ऑन योर बिहाफ, बल्कि जो ETF है वो सिंपली कॉपी कर देता है इंडेक्स को एंड एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करता है परफॉर्मेंस को। ETF के अंदर कोई भी बाय या सेल कर सकता है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे, रियल टाइम बेसिस पे, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। इसके बेनिफिट्स एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ETFs कॉस्ट एफिशिएंट होते हैं, वो गिवन दैट दे डोंट मेक एनी स्टॉक, दे डोंट यूज सर्विसेज ऑफ स्टार फंड मैनेजर्स। इन्वेस्टर्स को अलाउ करते हैं कि वो रिस्क जो है वो अवॉइड कर सकते हैं पुअर सिक्योरिटी सिलेक्शन का, जब भी वो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं। जो स्टॉक्स एंड इंडाइसेस के उन्हें केयरफुली सिलेक्ट करते हैं इंडेक्स प्रोवाइडर्स, एंड उनको रीबैलेंस भी किया जाता है पीरियोडिकली। एक्सचेंजेस के थ्रू किसी भी टाइम लिक्विडिटी को ऑफर किया जाता है थ्रू ETFs। नाउ वी विल रीड अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। सो फर्स्ट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो यूनियन कैबिनेट ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बनाने की बात कह दी है 25,000 करोड़, जो कि लास्ट माइल फंडिंग होगी फॉर द स्टॉल्ड अफोर्डेबल एंड मिडल इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। जो ये फंड है ये इनिशियली 25,000 करोड़ का है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 10,000 करोड़ देगी,
एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। जो फंड होगा वो कैटेगरी सेकेंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होगा, जिसे रजिस्टर किया जाएगा सेबी के साथ एंड इसे मैनेज करेंगे SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड। जो ओपन एंडेड फंड है उम्मीद की जा रही है कि वो स्वेल ही होंगे, बढ़ेंगे ही, एंड गवर्नमेंट सॉवरन बॉन्ड्स के साथ बातचीत में भी है एंड पेंशन फंड्स के साथ भी, टू पुट इन मनी इन AIF टुगेदर। कैबिनेट ने भी कहा है कि एक स्पेशल विंडो बनाई है ताकि जो प्रायोरिटी डेप्ट फाइनेंसिंग है वो दी जा सके फॉर द कम्प्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन द अफोर्डेबल एंड मिडल इनकम हाउसिंग सेक्टर्स। AIFs क्या हैं? तो सेबी रेगुलेशंस 2012 के अंदर डिफाइंड है कि AIFs मतलब प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट, कंपनी, बॉडी कॉरपोरेट और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। AIF के अंदर वो फंड्स नहीं आते जो सेबी के अंदर आते हैं। सेबी रेगुलेशंस 1996 के अंदर आते हैं, सेबी रेगुलेशन 1999 के अंदर, मतलब इनके अंदर नहीं आते हैं वो फंड्स, और वो रेगुलेशंस ऑफ द बोर्ड टू रेगुलेट फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। तो इंडिया में जो AIFs हैं वो प्राइवेट फंड्स हैं विच आर अदरवाइज नॉट कमिंग अंडर एनी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी रेगुलेटरी एजेंसी इन इंडिया। कैटेगरीज तो तीन कैटेगरीज हैं सेबी रेगुलेशंस 2012 की। एक है कैटेगरी वन, कैटेगरी सेकेंड, कैटेगरी थर्ड। कैटेगरी वन जो है वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेगी, कैटेगरी सेकेंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर, एंड कैटेगरी थर्ड भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, लेकिन जो कैटेगरी सेकेंड होगा उसके अंदर प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी होंगे, जबकि जो कैटेगरी थर्ड है उसके अंदर होंगे हेज फंड्स। नाउ वी विल रीड अबाउट गवर्नमेंट बजटिंग सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने फर्स्ट बैच सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में टेबल कर दिया एंड सेइंग कि जो टोटल स्पेंड है, कैश आउटगो है, वो 19,000 करोड़ का होगा। बैकग्राउंड क्या है? सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स या वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में, आर्टिकल 115 में लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। आर्टिकल 116 में लिखा हुआ है वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। डेफिनेशन क्या है? सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मीन्स वो एडिशनल ग्रांट्स जो कि गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एक्सेस ग्रांट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब ग्रांट्स उनको पार्लियामेंट अथोराइज कर देती है एंड दे फॉल शॉर्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर, तो एस्टिमेट को पार्लियामेंट फॉर सप्लीमेंट्री और एडिशनल ग्रांट्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो प्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट पास करती है फाइनेंशियल ईयर से पहले। तो जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाए अप्रूव्ड ग्रांट से, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, वो एक डिमांड मांग करते हैं एक्सेस ग्रांट की, एंड जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो इस तरीके के एक्सेसेस पार्लियामेंट के नोटिस में लेकर आता है। फिर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो इन एक्सेसेस को एग्जामिन करती है एंड रिकमेंडेशंस देती है पार्लियामेंट को। तो जो डिमांड है एक्सेस ग्रांट्स की वो तभी हो सकती है जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया हो, पार्लियामेंट के सामने रिप्रेजेंट किया जाए, जब एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हैं। कुछ और ग्रांट्स भी हैं, एडिशनल ग्रांट मतलब जब नीड आ जाए ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर सप्लीमेंट्री एंड एडिशनल एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से जो सर्विस है वो कंटम्प्लेट नहीं हो पा रही है। एक्सेस ग्रांट मतलब वो ग्रांट जब कंपनी स्पेंड किया गया किसी सर्विस पे ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड के बेसिस पे। तो जब डिमांड जो थी एक्सेस ग्रांट्स की तो एक्सपेंडिचर जो था वो ऑलरेडी हो चुका है। एक्सेप्शनल ग्रांट्स मतलब किसी एक्सेप्शनल पर्पस के लिए, टोकन ग्रांट यानी कि जब फंड्स जो है वो किसी प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर, किसी न्यू सर्विस के लिए मांगे जाए फॉर रीअप्रोप्रिएशन एंड ऑल। नाउ वी विल रीड अबाउट सम मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इशूज रिलेटेड, कॉन्स्टेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। नाउ कम्स अबाउट पोलावरम प्रोजेक्ट। टू वर्क ऑन द मेगा पोलावरम इरीगेशन प्रोजेक्ट जिसे स्टार्ट किया था, न्यू कॉन्ट्रैक्टर ने रिसेंटली रिज्यूम कर दिया है, हैदराबाद बेस्ड मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। तो ये एक मल्टीपर्पस इरीगेशन प्रोजेक्ट है एंड आप ये देख सकते हैं कि ये पोलावरम है, ये जो डैम है अक्रॉस द गोदावरी रिवर, इसे वेस्ट बंगाल के पास कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इन गोदावरी डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश।
और इसके जो रिजर्वर्स होंगे वो छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के अंदर भी फैले हुए हैं। ये एक मल्टीपर्पस मेजर टर्मिनल रिजर्वर प्रोजेक्ट है ऑन रिवर गोदावरी, ताकि इरीगेशन, हाइड्रो पावर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मिल सके ईस्ट गोदावरी को, विशाखापट्टनम को, वेस्ट गोदावरी को एंड कृष्णा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसे नेशनल स्टेटस मिला था इस प्रोजेक्ट को 2014 में आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन एक्ट के अंदर, एंड इसका जो डिज़ाइन है वो भी बदल दिया गया था। नाउ वी विल रीड सम पीडीएस एंड सम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। तो सबसे पहले फॉल आर्मी वॉर्म, तो एक प्रॉपर प्रिकॉशन एंड टाइमली मैनेजमेंट की बात कही गई है बाय द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स, जिससे आप ध्यान रख सकते हैं कि उड़ीसा के अंदर मेज क्रॉप पर फॉल आर्मी वॉर्म, तो ये आप ध्यान रखिएगा FAW। उड़ीसा हर साल 7 लाख टन जो है मेज प्रोड्यूस करता है, एंड अब जो इसका साइज है वो 2.40 लाख हेक्टेयर्स बढ़ गया है 2.28 से। तो FAW फॉली फॉल आर्मी वॉर्म है क्या? ये एक नेटिव है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स का अमेरिकाज में, एंड इसको सबसे पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने डिटेक्ट किया था 2016 में। उसके बाद ये चाइना, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका के अंदर भी फैल गया। 80 टाइप्स के क्रॉप्स को ये पेस्ट अटैक कर सकता है, जिसमें बाजरा, ज्वार, रागी, पैडी, वीट, वेजिटेबल्स सभी इंक्लूडेड हैं। इंडिया में ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया कर्नाटक में, एंड विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स 50% ऑफ द कंट्री, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर भी फॉल आर्मी वॉर्म इन्फेस्टेशंस पाए गए हैं। ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये पॉलीफेगस है, मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड पे फीड करने की इसकी एबिलिटी है, नेचर ऑफ द कैटरपिलर, एंड इसकी एबिलिटी है ऑफ द अडल्ट मोड टू फ्लाई मोर देन 100 किलोमीटर पर नाइट। ये मल्टीपल क्रॉप्स पे फीड कर सकता है, 80 डिफरेंट क्रॉप्स से, जैसे मेज से लेके शुगर केन तक, और ये फैला हुआ है लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड पे एंड लार्ज डिस्टेंसेज में ये फ्लाई भी कर सकता है। तो क्या FAW आउटपुट को अफेक्ट करता है? तो टिल डेट इंडिया ने FO का इन्फेस्टेशन देखा है मेज पर, सोरगम जिसे ज्वार कहते हैं, शुगर केन क्रॉप्स पर मेज जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड है साउथर्न इंडिया के अंदर, एंड FAW का जो इन्फेस्टेशन है, जो ड्रॉट है, उससे शॉर्टफॉल होगा कम से कम 5 लाख टन्स का इन आउटपुट, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा मेज को अंडर कंसेशनल ड्यूटी। तो मेज जो है वो थर्ड इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है जो कि कंट्री में ग्रो होता है, सो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। नाउ वी विल रीड अबाउट प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 18 लाख फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन हो गया है इस योजना के अंडर। एम यही है छोटे एंड मार्जिनल फार्मर्स के लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। ये स्कीम वॉलेंट्री है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है फार्मर्स को जिनका एज 18 to 40 ईयर्स है। मंथली पेंशन 3,000 की मिलती है उन लोगों को जिनकी 60 ईयर्स एज हो गई है। सेपरेट पेंशन भी मिलती है 3,000 की स्पाउस को, एंड अप टू मेकिंग सेपरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फंड। जो इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो फार्मर्स को मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन 55 रुपीज़ से 200 का देना होता है एज ऑफ एंट्री के हिसाब से, एंड पेंशन फंड के अंदर, जब तक वो रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स तक नहीं पहुंच जाते। सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन करती है सेम ही अमाउंट का पेंशन फंड में। जो LIC है वो भी पेंशन फंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है पेंशन पे आउट के लिए। अगर कोई स्पाउस नहीं है तो पूरा जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा विद इंटरेस्ट वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अगर फार्मर रिटायरमेंट डेट के बाद डेथ होती है तो स्पाउस को 50% पेंशन मिलेगी एज फैमिली पेंशन। अगर दोनों फार्मर और स्पाउस की डेथ हो जाती है तो जो भी एक्यूमुलेटेड कॉर्पस होगा वो पेंशन फंड के अंदर वापस क्रेडिट बैक हो जाएगा। जो बेनिफिशियरीज हैं वो वॉलेंटरीली इस को ऑप्ट कर सकते हैं एंड एग्जिट कर सकते हैं स्कीम को आफ्टर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस। अगर डिफॉल्ट रहता है रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस में, तो बेनिफिशियरीज अलाउड होंगे कि वो रेगुलराइज करें कॉन्ट्रीब्यूशंस को बाय पेइंग द आउटस्टैंडिंग ड्यूज अलॉन्ग विद प्रेस्क्राइब्ड इंटरेस्ट। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कम से कम 10 करोड़ लेबरर्स और वर्कर्स ऐसे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कि बेनिफिट उठाना चाहते हैं स्कीम का विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंशन स्कीम्स ऑफ द वर्ल्ड।
नाउ वी विल रीड अबाउट NBFC लिक्विडिटी नॉर्म्स. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़. ये जो गाइडलाइंस हैं ये सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs के लिए भी जिनका एसेट साइज 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा है. सिस्टमैटिकली जो इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं एंड सभी डिपॉजिट टेकिंग NBFCs भी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एसेट साइज. ज़रूरी क्यों है? ताकि जो लिक्विडिटी क्रंच है उसको मीटअप किया जा सके. एंड बिकॉज देर वॉज अ कोलैप्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप्स, तो इसका मेन एम यही है कि एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके लिक्विडिटी क्राइसिस को फॉलो करते हुए जो कि पास्ट ईयर में हुआ था. क्या चेंज हुआ है? स्पेसिफिक कैप दी जाएगी नेगेटिव एसेट लाइबिलिटी पर जो कि मिसमैच हुई फॉर द लिक्विडिटी बकेट्स. NBFCs को मैंडेट किया जाएगा कि वो लिक्विडिटी कवरेज रेशोज़ को मेंटेन करके रखें. LCR जो है वो प्रोमोट करें रेजिलियंस ऑफ NBFCs टू पोटेंशियल लिक्विडिटी डिसरप्शंस बाय इंश्योरिंग कि उनके पास सफिशियंट हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स हों ताकि वो सर्वाइव कर सके लिक्विडिटी स्ट्रेस सिनेरियो में लास्टिंग फॉर 30 डेज. जो नेट क्यूमुलेटिव मैचेस हैं वो 1 to 7 days, 8 to 14 days, 15 to 30 days वो एक्सीड नहीं करने चाहिए 10%, 10% एंड 20% से ऑफ द क्यूमुलेटिव कैश आउटफ्लोज. NBFCs जो हैं वो अपने क्यूमुलेटिव मिसमैचेस को भी मॉनिटर करें अक्रॉस ऑल अदर टाइम बकेट्स अप टू 1 ईयर बाय इस्टैब्लिशिंग इंटरनल प्रूडेंशियल लिमिट्स विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड. बाइंडिंग क्यों है? जो LCR रिक्वायरमेंट है वो बाइंडिंग होगी सभी NBFCs पे 1 दिसंबर 2020 से. एंड मिनिमम जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स हैं वो 50% होने चाहिए LCR के यानी कि लिक्विडिटी कवरेज रेशोज़ के. एंड December 1, 2024 तक इनको 100% तक पहुंचाना पड़ेगा. एग्जेम्पशंस क्या हैं? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, Type 1 NBFC NDs, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज एंड स्टैंड अलोन प्राइमरी लीडर्स. किसको ब्लेम किया जा रहा है नॉन बैंक लेंडिंग सेक्टर क्राइसिस के लिए? तो NBFC जो के जो क्राइसिस हैं वो कल्प्रिट्स हैं करंट स्लोडाउन के लिए. एंड नियर कंसेंसस है कि ये जो क्राइसिस है इसे ट्रिगर किया है बाय द कोलैप्स ऑफ IL&FS एंड बिकॉज देर आर द प्रॉब्लम्स ऑफ DHFL ऑल्सो, दैट इज दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड. इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी लिमिट्स को बढ़ाना, लिक्विडिटी मार्जिन को बढ़ाना वो प्रॉफिटेबिलिटी को टेम्पर करता है एंड वैल्यूएशन को भी हर्ट करता है. प्रिलिम्स के लिए 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स कौन से होते हैं? वो लिक्विड एसेट्स जो कि रेडिली सोल्ड हो सके, इमिडिएटली कन्वर्ट हो सके कैश में कम या बिना किसी लॉस के एंड कोलेटरल की तरह यूज हो सके टू ऑब्टेन फंड्स इन अ रेंज ऑफ स्ट्रेस सिनेरियो. Type 1 NBFC ND नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज़ वो हैं जो कि पब्लिक फंड को एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही उनका कोई कस्टमर इंटरफेस होता है एंड ना ही वो किसी ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इंगेज करके रखती हैं. LCR मतलब प्रोपोर्शन ऑफ हाईली लिक्विड एसेट्स जिन्हें कंपनी हेल्ड करती है टू इंश्योर देयर ओन गोइंग एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लीगेशंस. नाउ वी विल रीड अबाउट करेंसी स्वैप अरेंजमेंट. तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी स्वैप अरेंजमेंट को रिवाइज कर दिया है फॉर सार्क कंट्रीज टिल 2022. तो न्यू फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो RBI है वो कंटिन्यू रहेगा स्वैप अरेंजमेंट ऑफर करने के लिए विद इन द ओवरऑल कॉर्पस ऑफ $2 बिलियन. RBI बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट के अंदर भी एंटर करेगा विद सार्क सेंट्रल बैंक्स जो कि स्वैप फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं. जो ड्रॉवल्स होंगे वो US डॉलर में होंगे, यूरो में होंगे, इंडियन रुपी में होंगे. जो करेंसी स्वैप फैसिलिटी है वो सभी सार्क मेंबर कंट्रीज को अवेलेबल होगी सब्जेक्ट टू देयर साइनिंग द बायलेटरल स्वैप एग्रीमेंट्स. करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? एक ऐसा एग्रीमेंट दो फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में जिनका रेगुलर सब्सटेंशियल और इंक्रीजिंग ट्रेड हो टू बेसिकली इन्वॉल्व ट्रेडिंग इन देयर ओन लोकल करेंसीज जहाँ पे दोनों इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए पे करते हैं प्री डिटरमाइंड रेट्स ऑफ एक्सचेंज पे बिना किसी थर्ड कंट्री करेंसी को लाए हुए यानी कि US डॉलर को. तो ऐसे अरेंजमेंट्स के अंदर कोई थर्ड कंट्री करेंसी भी इन्वॉल्व नहीं होती तो एलिमिनेट हो जाती है चिंता करने वाली बात अबाउट एक्सचेंज वेरिएशंस. तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक इंपॉर्टेंट मेजर है ताकि इंडियन मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया जा सके एंड इट वुड नॉट इनेबल द एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल बींग अवेलेबल टू इंडिया बट इट
it will also bring down the cost of capital for Indian entities while assessing the foreign capital market. जो ये स्वैप अरेंजमेंट है इसको मदद इससे मदद मिलेगी ताकि जो ग्रेटर स्टेबिलिटी आ सके फॉरेन एक्सचेंज में और कैपिटल मार्केट्स में इन इंडिया. एंड इस अरेंजमेंट के साथ जो इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो और इम्प्रूव होंगे इन टैपिंग फॉरेन कैपिटल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट नीड्स. एंड ये जो फैसिलिटी होगी ये इनेबल करेगी एग्रीड अमाउंट ऑफ फॉरेन कैपिटल को कि वो अवेलेबल हो इंडिया में फॉर यूज़ एज एंड व्हेन द नीड अराइजेस. नाउ वी विल रीड अबाउट सतत दैट इज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन. तो ये एक इनिशिएटिव है ताकि एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके बिकॉज स्टबल बर्निंग हुई थी आपको याद होगा हरियाणा में एंड जिसकी वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ा था. तो सिर्फ एक वो रीज़न नहीं था लेकिन हमें इसके बारे में पढ़ना होगा. तो इनिशिएटिव यही है कि सतत दैट इज़ अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन एक डेवलपमेंटल एफर्ट है जो कि व्हीकल यूजर्स को भी मदद करेगा फार्मर्स को भी और एंटरप्रेन्योर्स को भी. कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को बनाने की बात कही जा रही है थ्रू इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स. कैसे काम करते हैं ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं CBG, ये प्रोड्यूस होते हैं उन प्लांट्स पे एंड फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू कास्केड्स ऑफ सिलेंडर्स टू द फ्यूल स्टेशन नेटवर्क ऑफ OMCs फॉर मार्केटिंग एज अ ग्रीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल ऑल्टरनेटिव. जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी इस सक्षम हो जाते हैं कि वो सेपरेटली अपने मार्केट कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट्स को. जो प्लांट से बाय प्रोडक्ट्स मिलती हैं उसमें बायो मैन्यूर कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूडेड है ताकि उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़े. जो इनिशिएटिव है उससे ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट मिलेगी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 75,000 लोगों को एंड 50 मिलियन टन का बायो मैन्यूर भी क्रिएट हो सकता है फॉर क्रॉप्स. मल्टीपल बेनिफिट्स हैं अगर हम एग्रीकल्चर रेजिड्यू को कैटल डंग को म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को CBG के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट होगी कार्बन एमिशंस के अंदर पॉल्यूशन में कमी आएगी एडिशनल रिवेन्यू सोर्स रहेगा फार्मर्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा नेशनल कमिटमेंट्स को सपोर्ट होगी नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की इम्पोर्टमेंट में कमी आएगी बफर होगा अगेंस्ट क्रूड ऑयल एंड गैस प्राइस फ्लक्चुएशंस. बायोगैस होती क्या है बायोगैस नेचुरली प्रोड्यूस की जाती है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है वेस्ट का बायोमास सोर्सेज का जैसे कि एग्रीकल्चर रेजिड्यू कैटल डंग शुगर केन प्रेस मड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट स्वीट ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट एंड प्यूरिफिकेशन के बाद उसे कंप्रेस किया जाता है एंड CBG कह दिया जाता है जिसमें प्योर मीथेन 95% होता है. CBG क्या है कंप्रेस्ड बायोगैस सिमिलर है कमर्शियली अवेलेबल नेचुरल गैस की तरह ही कॉम्पोजिशन में भी एनर्जी पोटेंशियल में भी. जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो 52,000 किलो जूल पर kg है और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी CNG की तरह ही हैं. कंप्रेस्ड बायोगैस जो है वो अल्टरनेटिव एंड रिन्यूएबल ऑटोमोटिव फ्यूल की तरह भी यूज़ की जा सकती है. नाउ वे अहेड आगे क्या रास्ता है तो जो पोटेंशियल है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन का अलग अलग सोर्सेज से वो 62 बिलियन टन्स हो सकता है पर एनम. एंड जो कंप्रेस्ड बायोगैस नेटवर्क से इन्हें इंटीग्रेट किया जा सकता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से दैट इज CGD नेटवर्क से ताकि जो सप्लाइज हैं वो बढ़ें डोमेस्टिक और रिटेल यूजर्स में इन एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग मार्केट्स एंड रिटेलिंग के अलावा फ्रॉम OMC फ्यूल स्टेशंस जो कंप्रेस्ड बायोगैस है वो लेटर डेट पर इंजेक्ट की जाएगी इनटू CGD पाइपलाइंस टू ताकि इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो सके एंड ऑप्टिमाइज्ड एसेस मिल सके ऑफ अ क्लीनर एंड मोर अफोर्डेबल फ्यू. नाउ वी विल रीड अबाउट नाविक साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ रिलेटेड है तो अंतरिक्ष ठीक है द कमर्शियल आर्म ऑफ ISRO दैट इज इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसने रिसेंटली 2 सेपरेट टेंडर्स फ्लोट किए हैं उन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो डेवलप कर सके डेडिकेटेड नाविक बेस्ड हार्डवेयर एंड सिस्टम. तो नाविक दैट इज नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है जो कि पोजीशन इन्फॉर्मेशन बताएगा इन द इंडियन रीजन एंड 1500 किलोमीटर अराउंड द मेन लैंड. सो सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइडेड होंगी IRNSS 2 टाइप्स की सर्विसेज देगा स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज सभी यूजर्स को एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज टू अथोराइज्ड यूजर्स. इसकी एप्लीकेशंस में क्या क्या इंक्लूडेड है टेरेस्ट्रियल एरियल मैराइन नेविगेशन डिजास्टर मैनेजमेंट व्हीकल ट्रैकिंग फ्लीट मैनेजमेंट इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रेवलर्स विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स.
कितनी सेटेलाइट्स नाविक के अंदर होती हैं, ये एक नाविक जो है वो एक रीजनल सिस्टम है एंड इसके कॉन्स्टलेशन में 7 सेटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी हैं सभी के सभी इंडियन ओशियन के ऊपर, एंड ऐसा लगता है स्काई में वो स्टेशनरी हैं, एंड 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस है, मतलब स्काई में एक ही समय पर हर दिन एक ही पॉइंट पे अपियर होती हैं। तो जो कॉन्फिग्रेशन है इसे ये इंश्योर करता है कि हर सैटेलाइट को ट्रैक किया जा सकता है बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 14 ग्राउंड स्टेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स हाई चांस है कि मोस्ट ऑफ देम विजिबल होंगी फ्रॉम एनी पॉइंट इन इंडिया। तो ज़रूरी क्यों है एक इंडिजीनियस ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम का, क्योंकि अगर ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम होगा तो नेशन की एबिलिटी बढ़ेगी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के अंदर, एंड खास करके एश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर पाएंगे कि रिलीफ एफर्ट्स दें डिज़ास्टर आने से पहले, जैसे कि सुनामी आया था 2004 में, पाकिस्तान इंडिया अर्थक्वेक हुआ था 2005 में। नाउ वी विल रीड अबाउट अटल टिंकरिंग लैब्स। तो अटल टिंकरिंग लैब मैराथन ऑर्गेनाइज किया अटल टिंकरिंग लैब्स ऑफ अटल इनोवेशन मिशन एम एंड नीति आयोग ने, ताकि इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट इनोवेटर्स को आइडेंटिफाई किया जाए। ये एक 6 महीने का लंबा नेशनल वाइड चैलेंज है जो कि 6 डिफरेंट थीमेटिक एरियाज, यानी कि क्लीन एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड एग्रीकल्चर टेक, ये उन सभी बच्चों के लिए ओपन है जो 18 साल से अंडर हैं, एंड जो टॉप 30 इनोवेशंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ट्रेन किया जाएगा बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स में, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एलिवेटर पिच। ATLs क्या हैं कि हमें कल्टिवेट करने हैं 1 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया एज न्योटेरिक इनोवेटर्स। अटल इनोवेशन मिशन जो है वो इस्टेब्लिश करेगा अटल